प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है बड़ा बयान, कहा कोरोना वैक्सीन देश के हर नागरिक के लिए होगी उपलब्ध। कोरोना काल में भी जमकर हुई बिहार में वोटिंग, चुनाव आयोग के मुताबिक पहले दौर की 71 सीटों पर 54.26% हुआ मतदान। पाकिस्तानी नेता का खुलासा, अभिनंदन की रिहाई से पहले घुटने टेक चुका था पाकिस्तान, हम भारत के हमले के डर से कांप रहे थे शाह महमूद कुरैशी के पैर। अभिभावकों को राहत देते हुए राजस्थान सरकार ने किया है बड़ा फैसला, 9वीं से 12वीं के छात्रों की फीस में 40% की गई है कटौती। बीएसपी के 7 बागी विधायक को मायावती ने किया सस्पेंड, बोली देंगे जैसे को तैसा जवाब, चाहे बीजेपी को देना पड़े वोट। फेस्टिवल सीजन में कोरोना का रेड अलर्ट, 18 दिन में देश में आए 10 लाख केस, वही राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 5000 से ज्यादा केस आए सामने। निकिता मर्डर केस में हुई तीसरी गिरफ्तारी, तौसिफ को मुहैया कराया गया था देसी कट्टा। सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ रिया चक्रवर्ती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर सीबीआई ने लगाई मुंबई पुलिस को फटकार, कहा एक्टर की बहन के खिलाफ मुंबई पुलिस की एफआईआर छवि बिगाड़ने वाला। मुंबई की प्लेऑफ में धमाकेदार एंट्री, आरसीबी को 5 विकेट से दी मात, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी मुंबई। रामदास अठावले के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद पायल घोष ने खुद को किया घर में आइसोलेट, करवाने जा रही है कोरोना टेस्ट।